बीते कुछ सालों में मोमोज एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड बन गया है। हालांकि इसको खाने से कई लोगों के बीमार होने की खबरें आते रही हैं, मगर आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं वह आपको चौंका देगा, क्योंकि इस घटना में मोमो कथित तौर पर मौत का कारण बन गई। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आया यह मामला, जहां स्ट्रीट स्टॉल पर मोमोज खाने के बाद 15 लोग बीमार पड़ गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि बंजारा हिल्स थाना इलाके के नंदी नगर में एक दुखद घटना हुई, जहां 31 साल की एक महिला की स्ट्रीट फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद कथित तौर पर मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार रेशमा बेगम और उनकी दो बेटियां समेत कई लोग इस स्टॉल से मोमोज खाने के बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याओं का शिकार हो गए। महिला की पहचान नंदी नगर की रहने वाली रेशमा बेगम के रूप में हुई है और इसके अलावा उसी स्टॉल पर मोमोज खाने वाले अन्य 15 लोग भी बीमार पड़ गए। मृतक महिला के परिवार के एक सदस्य ने पुलिस से शिकायत की कि मोमोज खाने के बाद वह बीमार पड़ गई और रेशमा की हालत बिगड़ने पर उन्हें निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अधिकारियों का मानना है कि मोमोज के साथ मायोनीज या चटनी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बंजारा हिल्स पुलिस ने बिहार के दो फूड वेंडर्स को गैर इरादतन हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि महिला के शव को दफना दिया गया है और उसकी मौत का कारण पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई पर फैसला अभी नहीं लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि रविवार को रेशमा बेगम और अन्य लोगों ने दिल्ली मोमोज नाम के एक फूड स्टॉल से मोमोज खाए थे। चिंताल बस्ती में स्थित यह स्टॉल करीब 3 महीने पहले बिहार से आए अरमान और उसके 5 दोस्तों ने शुरू किया था। इस मामले में मोमोज की स्टॉल लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी महिला की मौत की वजह और उसकी बीमारियों की जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा, हम मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि स्टॉल चलाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि यह स्टॉल बिना FSSAI लाइसेंस के चल रहा था। खाने की तैयारी और उसी के साथ साथ जो तमाम स्थितियाँ थी वो वहाँ पर असुरक्षित थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने स्टॉल से भोजन के सैंपल्स एकत्र कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं, साथ ही स्टॉल को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही फूड सेफ्टी टीम ने सभी पीड़ित को ब्लड और स्टूल सैंपल की रिपोर्ट भी एकत्र करने की जिम्मेदारी दी है, फूड पॉइजनिंग का सटीक कारण पता लगाया जा सके। तो ऐसे में मोमोज खाने से लगातार जो बीमारियाँ सामने आ रही हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।